वन भुलपुरा के पास जंगल में नाबालिग लड़की की मिली लाश का पर्दाफाश हो गया है। जिले की तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने आज घटना का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बताया कि नाबालिग की हत्या में जीशान और दानिश दो दोस्त शामिल है। दोनों ने हत्या करना कबूल भी कर लिया है। नाबालिग की जीशान से दोस्ती थी। जीशान और दानिश जबरदस्त नशा करते थे। नाबालिग नशा करने से मना करती थी। कई बार इसको लेकर झगड़ा और अनबन भी हो गई थी। नाबालिग बोलना छोड़ देती थी। 29 सितंबर से नाबालिग गायब थी। काफी तलाश और सीसीटीवी से खोजबीन कर दोनों आरोपियों के बारे में पता चला। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि दोनों ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या का प्लान बना दिया। जीशान से दोस्ती थी, लिहाजा जीशान नाबालिग को लेकर जंगल में आ गया, जहां दानिश मौजूद था। दोनों ने नाबालिग से बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया। एसएसपी ने बताया कि जीशान नशे का लती था और उसको नाबालिग का नशा करने से मना करना अच्छा नहीं लगता था। तो आइए सुनते हैं क्या कह रही है एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी। बच्ची जो है ये 29 साल को गायब हुई है। इसकी सूचना जब हमें मिली तो हमने इसका तत्काल मुकदमा दर्ज किया है गुमशुदगी के तहत, और इसका सभी तरीके से ढूंढ-खोज हम लोगों ने शुरू करी है। कागज भी छिपा करके हमने ढूंढी बांटे हैं, इसके फोटोग्राफ्स भी लोग बनाए हैं और आसपास सुरागे से पतारसी भी करी है। सीसीटीवी कैमरेज भी हमने दिखाए हैं, जिसमें से कि दो लड़के इसके साथ में नजर आए हैं अलग अलग टाइम पर। जब उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की गई है, तब ये मामला सामने आया है। इन्होंने बताया कि हमने उस लड़की की हत्या करके और उसको एक नाले में फेंक दिया है, और उन्हीं की निशानदेही पे हमने नाले से उस लड़की की लाश को बरामद किया है। और इसमें उन लोगों ने ये भी कन्फेस किया है कि उसके साथ में हमने बलात्कार भी किया है, जिसके बाद में फिर हमने उसमें 376 एंड मोटिव क्या रहा है। ये लड़की और ये जो लड़का है अभियुक्त जो है, इसमें जो उनमें आपस में पहले से दोस्ती थी, लड़की उसको मना करती थी नशा करने से, जिसको लेकर के फिर वो उसको पसंद नहीं आता था उसको मना करना, तो उनका बार बार झगड़ा इस चीज़ को लेकर के हुआ करता था। इसका दोस्त कौन था बेसिकली? जो दोस्त है वो दूसरा जो अभियुक्त जीशान है, जो उसको उस दिन वहाँ पुलिया तक लेकर के आया दानी से। इस घटना के खुलासे में मुख्य रोल क्या सीसीटीवी का रहा है? हाँ, इस घटना के खुलासे में मुख्य रोल सीसीटीवी का रहा है, क्योंकि पहले दोनों अभियुक्तगण जो है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, पर जब लास्ट में एक कैमरे में हमने एक अभियुक्त को उसको साथ में ले जाते हुए देखा, तब फिर इस मामले का खुलासा हुआ। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।